हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास है उसमें हमने वेव फंक्शन के मिक्सिंग कोफिशिएंट निकाले थे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए। आज हम उसी के आगे इनिशिएट करते हैं। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आए दैट इज साई वन इक्वल्स टू साई एस और साई पी एक्स का, पी जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ये मानते हुए किया सॉल्व किया था कि जो एक ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट पे है तो उसमें y का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और जो साई टू है साई थ्री है दैट इज साई एस साई पी एक्स साई पी एक्स एंड साई पी वाई, ये है वन अपॉन रूट थ्री प्लस 2/3 एंड माइनस 1/√6 माइनस 1/√6 और ये हमने सॉल्व किया प्लस 1/√2 एंड माइनस 1/√2। सो दिस इज द होल स्टोरी अप टू नाउ कि साई वन साई टू साई थ्री है, बट हमने लास्ट क्लास पिछली क्लास में जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सॉल्व किए थे तब देखा था कि एक्चुअल में साई एस जो साई पी एक्स साई पी वाई जो ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन हैं उनका भी अपना एक सॉल्यूशन है, या जनरल सॉल्यूशन जो साई एस ऑर्बिटल के लिए जो हम वेव फंक्शन लिखते हैं साई एस उसकी फॉर्म कैसी है। तो ये है 1/√π, देन साई पी एक्स होता है 3/4π का रूट कोस थीटा साइन थीटा साइन फाई या कोस थीटा कोस फाई होता है, साइन थीटा कोस फाई एंड पी वाई इक्वल्स टू 3/4π साइन थीटा, तो ये 90 डिग्री पे, तो ये हो गया साइन थीटा साइन फाई। ये इन ऑर्बिटल्स का जनरलाइज सॉल्यूशन है, तो हम इन दोनों को साथ रखें तो हमारे पास एक्चुअल हाइब्रिड ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आ जाएगा साई वन साई टू साई थ्री। ओके, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करें तो जो साई वन बनेगा वो क्या बनेगा, 1/√3 1/2π प्लस √2/3 इंटू 3/√2π लिख सकते हैं इसको, 4π √2 2√π देन साइन थीटा कोस फाई, इस तरीके से लिख सकते हैं, या 1/√π कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से बचा 1/√3 यहाँ से बचा प्लस √2 साइन थीटा कोस फाई, ये इसका इजी सॉल्यूशन हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन हो सकता है। देन जब पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो इन दोनों में से एक, भाई ये तो एक ही प्लेन में है तो हम ये माने फाई प्लेन में है और व्यूअर जो है वो 90 डिग्री से देख रहा है, तो साइन थीटा जो है एंगल उसको हम पहले ही क्या मान लें, 90 थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो उस कंडीशन में साई वन हो गया 1/√3 प्लस √2 कॉस फाइव। सो दिस इज आवर फर्स्ट वेव फंक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल साई वन। नाउ
साई टू को हम सॉल्व करें सिमिलर वे फैशन में, तो वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन टू रूट पाई, माइनस वन अपॉन रूट सिक्स इंटू रूट थ्री अपॉन टू रूट पाई साइन थीटा कॉस फाई, प्लस वन अपॉन रूट टू, दैट इज रूट थ्री अपॉन टू रूट पाई इन टू साइन थीटा साइन फाई। ओके, सिमिलरली यहाँ भी ये टर्म देखो, वन अपॉन रूट टू पाई, तो इसको तो आप भाग ले लें, टू रूट पाई, फिर क्या बचा, वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ भी वन अपॉन रूट थ्री, माइनस का वन अपॉन रूट थ्री, बट साथ में फंक्शन है कॉस फाई, साइन थीटा थीटा 90 लेके चलेंगे, तो थीटा 91 प्लस वन अपॉन रूट टू, और यहाँ है रूट थ्री, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा 90, ये हो गया साइन फाइव। सो दिस इज आवर सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज साई टू। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई साई टू के लिए। अब लिखेंगे हम साई थ्री के लिए, तो साई थ्री के लिए वन अपॉन रूट थ्री यहाँ है, वन अपॉन टू रूट पाई, ये साई एस हो गया, माइनस वन अपॉन रूट सिक्स रूट थ्री अपॉन टू रूट पाई साइन थीटा कॉस फाई, माइनस वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू रूट पाई साइन थीटा साइन फाई। सॉल्व करते चलें, तो कॉमन यहाँ भी है ये, तो वन अपॉन वन अपॉन टू रूट पाई, ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से बचा वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ से बचा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, बट साथ में है कॉस फाई साइन थीटा जीरो, दैट इज कॉस फाई, यहाँ से बचा माइनस का साइन माइनस रूट थ्री बाई टू साइन थीटा दैट इज वन एंड साइन साइन फाइव। सो ये हो गया हमारा साई थ्री। सो साई वन साई टू साई थ्री का एक्चुअल जो आपकी फॉर्मेट है इक्वेशन का, वो हमारे सामने आ गया। ये देखो यहाँ गलती हुई है, वन ये वन बाई टू, दैट शुड बी टू, ये कटेगा तो रूट टू आएगा ना, रूट थ्री नहीं आएगा, थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज टू, दैट शुड बी टू। ओके, बाकी सब ठीक है। तो हमारी तीन इक्वेशन आ गई, साई वन साई टू साई थ्री, तो ये तीनों इक्वेशन। अब आप इनका प्रेजेंटेशन देखें, और अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम, एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ निकालते हैं हम, तो आपको पता है कि जो इक्वेशन है कोई भी साई वन साई टू साई थ्री, तो हम मोस्ट जो ईजी है वो ये है, तीनों एक जैसे हैं, तीनों सेम ऑर्बिटल हैं, सेम एनर्जी है, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सेम ओवरलैपिंग होगी, तो हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, बॉन्ड इन कंपैरिजन टू अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल, तो यहाँ क्या होगा, कोई भी वेव फंक्शन मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें, मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ साई वन अपॉन साई एस,
ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो साई वन क्या आया, 1/2 रूट पाई इंटू 1/√3 प्लस रूट टू कॉस फाई डिवाइडेड बाई साई एस होता है 1/2 रूट पाई। तो ये कैंसिल, 1/3 प्लस रूट टू फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या, क्या कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आया आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1.73 प्लस 1.41, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.99। दैट मीन्स इन कंपेरिजन टू 1 इट विल बी 1.99। दैट मीन्स अगर एस ऑर्बिटल खुद ये बॉन्ड बनाता उसके कंपेरिजन में लगभग दुगना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, कौन, साई वन, साई टू या साई थ्री। अब इनका अगर ये सब मैं हटा देता हूँ बीच में से, ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो आप देखें इसको, ऑर्बिटल डायग्राम इसका बनाएं तो तीन ऑर्बिटल हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस होगी वो होगी 120 एक ही प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में अगर आप लें तो तीन जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है 120। आप इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दूसरों की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड एंगल है, वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल ये होगा 120। तो साई वन के लिए अगर आप बनाएंगे तो साई वन विल बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्स, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो साई वन ये होगा। फिर आप बना रहे हैं साई टू, तो यहाँ देखें आप कि पहले इसका फैक्टर क्या है, ये पॉजिटिव है, जो पी वाई ऑर्बिटल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो ये अपर पार्ट में आएगा और ये इसका वाई का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो ये अपर पार्ट में आएगा। और ये है जो ऑर्बिटल है जेट इज साई थ्री, तो इसमें जो पी वाई ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है माइनस वाई डायरेक्शन में, दैट इज़ पी वाई। अब अगर आप इन तीनों को एक साथ बनाएं, एक साथ अगर इनको हम बनाएं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ये साइज एंड शेप जो है आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, है ना, बहुत सुंदर नहीं है बट हमारी बात जो है वो क्लियर हो रही है। एक ऑर्बिटल जो हमारा साई वन है, दैट इज साई वन, दिस इज साई टू एंड दिस इज साई थ्री। सो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है, जो ऑर्बिटल इसमें कंबाइन हुए थे वो कौन से थे, वो ऑर्बिटल थे पी एक्स पी वाई एंड एक स्फेरिकल ऑर्बिटल था एस। इन तीनों ऑर्बिटल्स में ने मोर डायरेक्शनल एंड मोर अरेंज्ड फॉर्म में और मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन किया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका रिपल्शन मिनिमाइज हुआ, डायरेक्शनल फैक्टर आया जिससे दूसरे किसी भी एटम के साथ इनके ओवरलैपिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी, दैट्स वाई इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी और ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कोई बॉन्डिंग होगी तो आपको ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगी, क्योंकि इनके लोब्स तीन डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे और तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, इसलिए प्लेनर, और तीन डायरेक्शन हैं तो तीन से मिला ट्राइंगल, तो ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर ये क्रिएट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिड वेव फंक्शंस एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम शुरू करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक यू।